हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा सुपर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोलकाता की फेमस चाट राज कचौरी। तो आइए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो राज कचौरी बनाने के लिए हमें चाहिए ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए, और ये मैदा 1 कप लिया है, और 1/4 कप मैंने सूजी लिया है, और ये बेसन मैंने भुना हुआ लिया है 1/4 कप, और सॉल्ट चाहिए होगा, ब्लैक सॉल्ट चाहिए, और लाल मिर्च पाउडर, ये अनारदाने चाहिए, और सेव चाहिए, और ये जीरा पाउडर चाहिए, भुना पिसा जीरा है ये, अदरक लच्छे, और दही ये चाहिए, और हरी चटनी चाहिए, इमली चटनी चाहिए इसके लिए, और ये मैंने आलू काट के रखे हैं, 5 आलू हैं इसमें, और मटर चाहिए जिसको मैंने रात भर भिगोया और इसको बॉयल कर लिया है नमक डालकर। 1 टीस्पून सोडा चाहिए। अब हम राज कचौरी के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैदा लेंगे और 1/4 कप सूजी लेंगे, और ये भुना हुआ बेसन लेंगे 1/4 कप, और सॉल्ट चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। पानी डालकर इसका डो बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसमें बेसन हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, एक सोंधापन आ जाता है भुना बेसन डालने से। डो को ढक के रख देंगे 25 मिनट के लिए, 20-25 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसमें दही में मैं ये चीनी डालूंगी, बूरा चीनी है, इसमें 3 टेबलस्पून चीनी डाल दूंगी। मिक्स कर देंगे अच्छे से। दही रेडी हो चुका है। अब इमली की चटनी, ये मैंने ये डाबर होममेड टैमरिन पेस्ट लिया है, ये कहीं भी मिल जाएगा, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप ये पेस्ट ले आइए और उसमें पानी डालकर इसका पेस्ट ये तैयार कर लीजिए घोल, और इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर जीरा पाउडर डाल दें और थोड़ा सा काला नमक डालकर ये चटनी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। ये धनिया और पुदीने की हरी चटनी मैंने बना के रखी है, और इन आलुओं में मैं डाल रही हूँ जिससे इनको एक अच्छा टेस्ट मिले। जीरा पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। 1/2 टीस्पून इस पर काला नमक डाल देंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हरी चटनी में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है। तेल को गरम करने रख देते हैं। मैंने 250 ग्राम तेल लिया हुआ है, डाल दूँगी। इसकी लोई बना लेते हैं और सूखे मैदे में इसको डस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसे पतली पूड़ी जैसा बेलेंगे। कचौरियाँ एक ही साइज में बेलना है, कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए। हम तेल को चेक करेंगे, थोड़ा सा मैदा डालकर देखेंगे, डो डालकर देखेंगे, अगर ये ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है ये गर्म हो गया है। देखिए ऊपर आ गया है, हमारा तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें कचौरी डाल देते हैं। धीरे से इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके इसको फुलाएंगे। इतना ज़्यादा इसमें वो पड़ा है। इन कचौरियों को 4-5 घंटे के लिए खुले में रख देंगे जिससे ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे।
5 घंटे हो गए हैं, अब इनको कचौरियों को भर लेते हैं, बीच से ऐसे तोड़ देंगे। आलू डालते हैं 2 टेबल स्पून, मटर डालेंगे। चाट तो बिना मटर के अच्छी नहीं लगती है, आप मटर के अलावा इसमें छोले का भी यूज कर सकते हैं, और छोले के साथ मूंग वड़ी भी डाल सकते हैं, या मूंग स्प्राउट भी ले सकते हैं। थोड़ा अदरक लच्छे डाल देंगे, बिल्कुल। इमली चटनी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, दही डाल देंगे, काला नमक डाल देते हैं थोड़ा, एक एक चुटकी, जीरा पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, अनारदाने डालेंगे, अब सेव डाल देंगे, सेव डाल देंगे इस पे, धनिया पत्ती से सजा लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी कोलकाता की फेमस राज कचौड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।